तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो गाइस देख ही सकते हो इधर सोशल आइलैंड पे कैसे मैं इनविजिबल तरह पानी के अंदर से जा रहा हूँ। तो गाइस ये ट्रिक्स हम आपको ये वाला वीडियो में दिखाएंगे। सेकंड में आपको दिखाएंगे कैसे आप कंटेनर के अंदर पे छुप के रैंक पुश कर सकते हो दोस्तों के साथ, और आप बाहर भी निकल सकते हो ईजिली तरीके से। तो गाइस और हम दिखाएंगे फुल रूट लेके आप ये वाला चिमनी के ऊपर में कैसे आ जाना होगा, कैसे आ पाओगे इस चिमनी के ऊपर में। तो ये सब कुछ दिखाएंगे और आपको लास्ट में दिखाएंगे कैसे आपको 7 ईयर्स ओल्ड आईडी बनाना है, एक नया आईडी को कैसे 7 ईयर ओल्ड आईडी बनाना है, सब कुछ दिखाएंगे इस वाला वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस सबसे पहले आज हम आपको सोशल आइलैंड के ऐसे एक टिप के बारे में बताएंगे जिसको देखने के बाद आप खुद हैरान हो जाओगे, क्योंकि आप लोग सब सोशल आइलैंड पे आके बहुत मजा लेते हो। तो गाइस सबसे पहले आपको ये वाला टिप को कंप्लीट करने के लिए आ जाना होगा पानी का साइड में। तो पानी का साइड में आने के बाद आपको इधर पर स्केटबोर्ड को ऑन करना होगा। तो स्केटबोर्ड को ऑन करने के बाद आपको इधर पर जो मोबाइल डेटा रहेगा आपका उसको ऑफ कर देना होगा। मोबाइल डेटा को ऑफ करने के बाद आपको इधर पर जॉयस्टिक को खींचते हुए पानी के अंदर जाना होगा। जब पानी के अंदर जाओगे गाइस तो देख ही सकते हो आपका जो कैरेक्टर पूरा गायब हो चुका है। और गाइस ये सीन को करने के टाइम पे आपका दोस्त लोग को बुला के दिखाओगे तो गाइस खुद हो इम्प्रेस हो जाएगा ऐसा सीन देखते हुए। तो गाइस देख ही सकते हो इधर पे मैं जब पानी के बाहर आ रहा हूँ तब मेरा कैरेक्टर फिर से शो हो रहा है, जब पानी के अंदर जा रहा हूँ तो कैरेक्टर इनविजिबल हो चुका है। तो गाइस ये वाला टिप्स आपको कैसा लगा वो मेरे को फटाक से कॉमेंट कर देना, और आपके पास नया कोई टिप्स है तो उसके बारे में हमको जरूर कॉमेंट में बता देना। गाइस आप रैंक पुश करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, बहुत सारा एनिमी रहता है आपको मार देता है। तो गाइस एक ऐसा हिडन प्लेस इस पर है जिसको देखने के बाद आप खुद हैरान हो जाओगे। आप एक मिनट के अंदर ए वाला बॉक्स के अंदर आप घुस सकते हो। तो इस वाला कंटेनर के अंदर घुसने के लिए सबसे पहले आपका जरूरत पड़ेगा लैम्बोर्गिनी कार को। लैम्बोर्गिनी कार रहेगा तो आप एक मिनट के अंदर इस जो कंटेनर है इसके अंदर घुस पाओगे। तो सबसे पहले कंटेनर को अंदर आपको कार को पीछे की ओर खींचते हुए ले जाना होगा। तो इधर पर देख ही सकते हो मैं ड्राइविंग करते हुए कार को पीछे की ओर ले जा रहा हूँ। तो ऐसे करके आप भी धीरे धीरे करके इस ट्रिक को करना। तो देख ही सकते हो पीछे की ओर में कार को पूरा चिपक दिया वो कंटेनर के अंदर पे। उसके बाद जब गेट ऑफ कर दोगे गाइस आप आ जाओगे सेकंड वाला कंटेनर के अंदर पे, जिसका कोई दरवाजा खिड़की कुछ भी नहीं है। तो इधर पे आने के बाद आप इधर पे आसानी से बैठ के रैंक पुश कर सकते हो सोलो में। आप इधर पे रह के कोई दोस्तों को बुलाओ के दिखाओगे तो गाइस वो खुद इसको देखते हुए हैरान हो जाएगा और आपके ऊपर पूरा सरप्राइज हो जाएगा, और आप आसानी से इधर से निकल भी सकते हो। तो गाइस ये वाला ट्रिक आप अकेला नहीं, आप और भी दोस्तों के साथ बुला के ए ट्रिक को कर सकते हो। सोचो आप लोग चार दोस्त एक साथ कैंप करना चाहते हो तो सबको इधर पे डाइविंग करना है, गेट अप करना है। तो जब सब लोग डाइविंग और गेट अप करेगा सब एक साथ आप आ जाओगे ए वाला कंटेनर के अंदर पे। इधर पे कोई बंदा आपको नोटिस भी नहीं कर पाएगा जो आप इधर पे छुपके से बैठे हो, और इधर से निकलने के लिए इस जगह से आप निकल पाओगे। गाइज ए वाला टिक देखने के बाद इधर पे जो बड़ा टावर रहता है इस टावर के ऊपर आप गन लेके जा सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहले आपके पास जरूरत पड़ेगा मिनी वाला लॉन्च पैड को। तो इधर पे लॉन्च पैड का आपको सेट करना होगा। इस ऊंचाई पे सेट करने के बाद आपको लॉन्च पैड को ऐसे तरह सीधी एम करते हुए लॉन्च पैड को यूज़ करना होगा। तो सीधे से आप आ जाओगे ए वाला चिमनी के ऊपर में, मतलब ए वाला टावर के ऊपर में। तो ए वाला टावर के ऊपर में आने के बाद गाइस इधर पे आपके पास गन रहेगा तो इधर पे लास्ट जोन बनेगा। तो गाइस सोचो एक बार आपको कितना सारा किल मिल जाएगा इधर से, और इसके ऊपर से आप मारोगे तो बंदा सारा सरप्राइज हो जाएगा एक बार में। तो गाइस देर क्यों कर रहे हो, जल्द जल्दी जाओ और दोस्तों के साथ ए वाला टिक खुद एक बार अप्लाई करके देखो, क्योंकि इधर पे आप रहोगे तो कोई बंदा आपको नोटिस नहीं कर पाएगा और आप ऊपर से आसानी से किल वगैरह भी ले सकते हो। तो गाइस ये वाला वीडियो अच्छा लगे तो चैनल पे एक लाइक कर देना, जो जो भाई चैनल पे वो फटाक से एक बार सब्सक्राइब करके बेल वाला घंटी को बजा देना। गाइस गाइस आप लोग तो जानते हो बियर रैंक मोड पे एक जोम्बी आ चुका है जिसको मारने से बहुत सारा लूट मिलता है। तो गाइस आप एक मिनट के अंदर इसको कैसे मार पाओगे चलो हम दिखा देते हैं। तो सबसे पहले गाइस इधर पे जोम्बी को ऑन कर दिया। अभी आप जो चारों दोस्त रहोगे चारों के पास कार होना चाहिए। गाइस देख ही सकते हो एक कार से उसके ऊपर डैमेज दोगे तो गाइस 2000 डैमेज हो चुका है। अभी जिप गाड़ी से उसके ऊपर डैमेज दोगे तो गाइस 4000 डैमेज हो चुका है। तो गाइस ऐसे करके चार दोस्त एक साथ कार से उसको हमला करोगे तो गाइस वो एक बार में मर जाएगा। तो देख ही सकते हो इधर पे मैं उसको मार भी दिया। तो गाइस अगला मैं एक सेकंड के अंदर मार दिया तो हम लोग चार रहोगे तो भाई सेकंड के अंदर आप मार सकते हो। तो गाइस ये वाला ट्रिक जरूर अप्लाई करना इस वाला मूड पे आके। गाइस आप लोग सोशल आइलैंड पे आते हुए इधर पे रेस करने के लिए इस सीढ़ियों से ऊपर से जाते हो तो भाई आपको बहुत सारा दिक्कत होता है, बट ए वाला ठीक करोगे ना गाइस तो आप कभी भी सीढ़ियों से नहीं जाओगे। तो गाइस आप प्रो प्लेयर हो तो आप कभी भी सीढ़ियों से नहीं जाओगे, आप
मेरा तरह ऐसे टिप्स करते हुए जाओगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको स्टोर की ओर जाना होगा। स्टोर की ओर आने के बाद आपको इधर पे कैप्टूल लेना होगा ढेर सारा। तो इधर पे कैप्टूल बहुत सारा लेने के बाद इधर से आपको एक जो सीरिया है इसके साइड में आपको जाना होगा। इधर पे जाने के बाद आपको ढेर सारे जो कैप्टूल है उसको अच्छे तरीके सेट करना होगा। सबसे पहले 3 नंबर वाला कैप्टूल को सेट करना होगा, उसके बाद 2nd वाला कैप्टूल को उसके साइड में सेट करना होगा, उसके बाद और एक कैप्टूल को इसके ऊपर सेट करना होगा। इधर पे सेट करने के बाद आपको इधर पे अच्छे तरीके से और एक कैप्टूल को सेट करना होगा। उसके ऊपर जब जाने के बाद आपको साइड में और एक कैप्टूल रहेगा उसको सेट करना होगा। गाइस ध्यान से देखना, नहीं तो आप कभी भी एटिक को कंप्लीट नहीं कर पाओगे, आप सीरियस हो जाओगे नुबड़े की तरह। तो गाइस इधर पे देख ही सकते हो मेरे को उस दिशा पे नहीं जाने दे रहा है, तो आप डरो मत। इधर पे आके और एक कैप्टूल को आपको यही अच्छे तरीके से सेट करना होगा। इधर पे आप कैप्टूल को अच्छे तरीके से सेट करोगे तो गाइस मेरी तरह आप भी इधर से नीचे आ जाओगे। तो गाइस देख ही सकते हो इधर पे दोस्त लोग जब नीचे रहेगा, आप उधर से आओगे तो भाई आपको हीरो वाला एंटी एक मिल जाएगा। गाइस आप फ्री फायर खेलते हो और आपका नया आईडी है, और आप जब किसी के ग्रुप में जाते हो तो उसके माथे के ऊपर 7 ईयर्स ओल्ड ऐसा लिख के आईडी का आता है, मतलब 7 ईयर ओल्ड आईडी है उसका। तो गाइस इधर पे मेरा 4 ईयर ओल्ड है। तो चलो इधर पे मेरा देख ही सकते हो जो 7 ईयर्स ओल्ड लॉक हुआ है, अभी अनलॉक नहीं है। तो गाइस 1 मिनट के अंदर आप भी इसको अनलॉक कर सकते हो। तो चलो सबसे पहले हमने इधर पे ग्रुप बना लिया और मैंने इधर पे मैसेज पे चला गया। मैसेज पे जाने के बाद इधर पे इस कोड को आप भी कॉपी कर लेना गाइस। इस कोड को कॉपी करने के बाद आप जब इसको टिक के ऊपर क्लिक कर इधर पे सेंड कर दोगे गाइस, इधर पे आपको 7 ईयर्स ओल्ड आईडी देखने के लिए मिलेगा गाइस। तो 7 ईयर्स ओल्ड जब आपका आईडी देखने के लिए मिलेगा तो आपका जो दोस्त लोग रहेगा वो तो एक बार में सरप्राइज हो जाएगा। गाइस आप गेम के अंदर जाओगे आपको कोई बंदा मार नहीं पाएगा तो आपको कैसा लगेगा? तो गाइस चलो इसके लिए सबसे पहले आपको 1 मिनट के एक ट्रिक देखना होगा। तो गाइस आपको लेना होगा सेंटिनो कैरेक्टर। तो सेंटिनो कैरेक्टर को लेने के बाद आपको इधर पे कैफलन जो एक मूड है, कैफलन मूड को आपको चूज करना होगा। और इधर पे ट्रेनिंग आउट नाम का जो मूड है उसको आपको स्टार्ट करना होगा। तो गाइस इसके अंदर आपको बहुत सारा ऐसा एनिमी मिल जाएगा जो आपको इधर पे जिंदा नहीं रखने देगा, आपको जब उतर जाओगे तभी आपको मार देगा। गाइस देखो मैं इधर पे उतर चुका हूँ और मेरे को ये बंदा पीछे से मार दिया गया। तो गाइस इसके बाद ही करना होगा असली टिक। तो गाइस इधर पे आपको सेंटिनो कैरेक्टर को छुपा के यूज़ करना होगा। यूज़ करने के बाद आपको लॉबी में चला जाना होगा। इधर पे आपका एबिलिटी के ऊपर फिर से टैप करोगे ना तो गाइस आप इधर पे भाई अनलिमिटेड एचपी के साथ रह सकते हो, आपको कोई बंदा मार नहीं पाएगा। आप उसके सामने रुक के इमोट वगैरह दे सकते हो, वो तो गुस्से से लाल पीला काला हो जाएगा क्योंकि आपको मारना ही नहीं पाएगा। आप उसको मार सकते हो 1 गोली के अंदर से। और हाँ गाइस इसको हैक मत समझना, एक ट्रिक है, आपका आंखों के सामने ही मैं सब कुछ दिखा दिया आपको। तो देर क्यों कर रहे हो, जल्दी जाओ। hey, मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को दे।